हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली ईआरपी 9 की। बहुत ही शानदार होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ नई चीजें बताऊंगा। क्या नया है आइए समझते हैं। यहां पर देख सकते हैं, ये जो भी हम यहां पे नंबर देंगे वो हमारा रेफरेंस नंबर होगा, ठीक है। क्योंकि ये परचेस तो है नहीं, ये तो सेल्स है। तो यहां पर आपका आएगा, यहां पर आएगा डेटर पार्टी का नाम। आपको डेटर पार्टी का ही नाम यहां पे देना है। तो हमारी डेटर पार्टी कौन सी है? तो हमारी डेटर पार्टी का नाम है युवराज। तो इन्हीं को हम सामान बेच रहे हैं, तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर पार्टी आएगा। तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर का ग्रुप आप चाहे तो चूज कर सकते हैं। तो ये हो गया सन्ड्री डेटर, एंटर करेंगे, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। फिर एंटर कर लीजिए, बाकी की तमाम डिटेल्स आप देख सकते हैं, इसे भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंटर करिए, यहाँ पर आइए। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है पर्टिकुलर। तो हम क्या कर रहे हैं? तो हम कर रहे हैं सेल। तो हम यहाँ सेल्स का एक लेजर बनाएंगे, SALES, सेल्स हो गया। और कितने का सेल कर रहे हैं, इसका ग्रुप होगा अंडर सेल्स अकाउंट। और यहाँ से हम सेल्स पे जाएंगे और यहाँ पे एंटर करके इसे एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही यहाँ आते हैं ना, तो हमारा कर्सर यहाँ आ जाता है। लेकिन जरा देखिएगा, यहाँ से अगर हम अल्ट सी प्रेस करते हैं तो हम देखेंगे कि हम लेजर क्रिएशन पे चले जाते हैं, सीधा लेजर क्रिएशन पे आ गए। लेकिन इन द केस जब हम यहां पर एंटर करके आ जाते हैं और यहां पर ऑल्ट सी करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां ऑटो कैलकुलेटर ओपन हो गया है। अब ये ऑटो कैलकुलेटर का मतलब क्या है? ये टैली ईआरपी 9 है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर 55 मल्टीप्लाई बाई 7 कर रहा हूं, ठीक है। और जैसे ही मैं करूंगा तो आप देखेंगे अमाउंट यहां फिल हो गया, सेल्स में फिल हो गया, देख सकते हैं। तो ये ऑटो कैलकुलेटर है और ये ऑटो कैलकुलेटर काफी शानदार है। जब आप इस तरह का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि आप जो भी कैलकुलेट करेंगे वो सीधा अमाउंट में चला जाता है। ये फायदा होता है किसका? ऑटो कैलकुलेटर का, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ कि इसे कैसे करना है। यहाँ बी प्रेस करके मान लीजिए सेल्स में ही आ गए, आप परचेज में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर आएगा, एंटर करेंगे और यहाँ पर आएगा हमारे क्रेडिटर नहीं बल्कि डेटर पार्टी का नाम। तो ये डेटर पार्टी का नाम लिखा हमने, एंटर किया। आप कैश भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे डेटर पार्टी के बजाय आप चाहे तो कैश भी कर सकते हैं। तो ये कैश कर दिया, एंटर करेंगे, सारी डिटेल भरते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा हमारा लेजर सेल्स का, ठीक है। तो यहाँ सेल्स कर दिया हमने। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम अमाउंट डालते हैं, लेकिन हम अमाउंट ना डाल करके यहाँ पे अल्ट सी कर देते हैं और यहाँ पर कैलकुलेटर कैलकुलेट करके देगा, यानी 67 मल्टीप्लाई बाई 2 यही अमाउंट हमें भरना है। तो यहाँ पे ऑटो ये कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पे ऑटो फिल भी हो जाएगा। देखिए ये इस तरीके से हो जाता है। अब आप यहाँ नरेशन डाल सकते हैं कि कितने का अमाउंट सोल्ड किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑटो कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ऑटो कैलकुलेटर का यूज कैसे किया जाए टैली ईआरपी 9 के अंतर्गत। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।